नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट फॉर क्लास 8 फॉर द डेट ऑफ 5th August 2023 अंडर मिशन मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट। टुडे आवर टॉपिक इज स्क्वायर रूट इंट्रोडक्शन। स्क्वायर रूट दैट मीन्स कब हमें स्क्वायर रूट की ज़रूरत होती है, स्क्वायर रूट का हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, कुछ निम्न परिस्थितियों पे बात करें। पहला केस कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस स्क्वायर का एरिया आपको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट कुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, ये साइड क्या होगा इसका, ये निकालना है। वी नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इजकल टू साइड का स्क्वायर। तो मान लेते हैं ए कोई साइड है, लेट द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज बी ए, देन 16 इजकल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हमें ये पता करना है जो कि ए स्क्वायर कौन सा ए रखा जाए जिसको ए से ही गुना करने पे 64 हो जाए, यानी हुज स्क्वायर इज 64। हम ऐसे नंबर को प्राप्त करें जिसका स्क्वायर 64 हो। अब दूसरा केस देखते हैं, व्हाट बी द लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ द ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। अब डायगनल यानी एक कोने को दूसरे कोने से मिलाना, उसको डायगनल कहते हैं। अब यहाँ पे हम कैसे इसकी वैल्यू प्राप्त करें, तो आपको पता है जो कि ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल जो होता है बड़ा एंगल होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी भुजा होती है जिसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और बड़ी भुजा की का वर्ग बराबर में अन्य दो भुजाओं के दो साइडों के स्क्वायर के बराबर, यानी यहाँ पे एडी का स्क्वायर ट्रेंगल, इस ट्रेंगल की बात करते हैं, ए डी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ पे यही दिया हुआ है, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर, जिसको जोड़ करके 100 आया 100 बराबर में ए डी स्क्वायर। अब ए डी एक ऐसा नंबर, अब 100 किसका स्क्वायर है ये हमें पता करना है। अगेन वी टू गेट ए डी, ए डी तभी प्राप्त हो सकता है, वी नीड टू थिंक ऑफ अ नंबर हुज स्क्वायर इज 100। अब हमें वो नंबर पता करने होंगे जिसका स्क्वायर 100 होता है। अब तीसरा सिचुएशन देखते हैं, एक राइट एंगल ट्रेंगल है जिसमें हाइपोटेनियस ऑफ एंड साइड आर मतलब दिया हुआ है, इसमें लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस एंड साइड्स आर रिस्पेक्टिवली ये और ये, यानी हाइपोटेनियस और एक साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। कैन यू फाइंड थर्ड साइड, आप थर्ड साइड बता सकते हैं। अब तो इसको मान लेते हैं एक्स, तो पाइथागोरस का प्रमेय हम यूज करेंगे, तो ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाता है। तो 5 का स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब यह हो जाएगा 25 इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब 9 इधर आके घट जाएगा तो यह हो जाएगा 25 माइनस 9 इजकल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 16 इजकल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 16 है।
टू फाइंड एक्स वी नीड टू नीड अ नंबर होज स्क्वायर इज 16। तो इन सभी केसों में आपने देखा जो ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर आपको मालूम हो। इन अबव ऑल केसेज वी नीड टू फाइंड अ नंबर होज स्क्वायर इज नॉन, जिसका स्क्वायर आपको पता है। तो जिसका स्क्वायर पता है तो ये किसका स्क्वायर है, तो वो उसका स्क्वायर रूट कहलाएगा। फाइंडिंग द नंबर विच विद द नॉन स्क्वायर इज नॉन एज फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अब देखिए कैसे, आपको पता है वन का स्क्वायर बराबर वन, तो दैट मीन्स इधर से इधर यानी वन का स्क्वायर रूट वन है। फोर का टू का स्क्वायर रूट फोर है, तो फोर का स्क्वायर रूट टू है, स्क्वायर रूट ऑफ फोर इज टू। थ्री का स्क्वायर नाइन है, तो नाइन का स्क्वायर रूट तीन हो जाएगा। अब पहले सिचुएशन की बात करें तो आपको पता है 64 किसका स्क्वायर है, एट का स्क्वायर है, एट का स्क्वायर 64, तो दैट मीन्स 64 स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8। तो यानी ये क्या है, साइड आपने निकाला है, तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ सो द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। दूसरे में 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10, सो द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तीसरे केस में 16 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 है, तो 4 जो होगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, सो द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।